फ्रेंड, लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.5 ओवर कर चुके थे। आज एक्सरसाइज 7.6 देखने जाते हैं। सो एक्सरसाइज 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर डिपेंड है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? तो हमने जो फॉर्मूला लिखी थी उसमें यू इंटू वी का इंटीग्रेशन की जो फॉर्मूला लिखी है वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। कौन से फॉर्मूला? इंटीग्रल यू वी डी एक्स। क्या थी फॉर्मूला? वंस अगेन रिकॉल करते हैं। सो इंटीग्रल यू वी डी एक्स, यू आउटसाइड, इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रल वी डी एक्स अगेन डी एक्स होगा प्लस सी। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूला है। ये किसकी फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिए होंगे तब ये हमें फॉर्मूला यूज करनी होगी। कब? दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यूज करेंगे। क्लियर? अब तो किसको हम यू लेंगे और किसको वी लेंगे? क्योंकि रॉन्गली यू और वी चूज हो गया तो आपका आंसर कभी नहीं सेट होगा। सो किसको हमें यू लेना है और किसको वी लेना है? तो हमें इसका एक ऑर्डर याद रखना है। और ऑर्डर क्या है? तो एल आई ए टी ई लिया के ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है? लिया के। अब लिया के का मीनिंग क्या है वो देखते हैं। तो एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? लॉगरिथमिक। फॉर एग्जाम्पल लॉग एक्स, लॉग टू एक्स, अदरवाइज एक्स प्लस टू एटसेट्रा, ऐसे लॉग वाले फंक्शन दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। आई मीन्स इनवर्स फंक्शन होगा। इनवर्स फंक्शन फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एटसेट्रा। क्लियर? ए मीन्स एरिथमेटिक फंक्शन। ए मीन्स क्या होगा? एरिथमेटिक फंक्शन। सपोज एक्स रूट एक्स, एक्स स्क्वायर, टू एक्स प्लस थ्री एटसेट्रा, ये एरिथमेटिक फंक्शन है। क्लियर? बी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सपोज साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स एटसेट्रा। क्लियर? एंड लास्ट ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सपोज टू रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स, बी रेस टू एक्स एटसेट्रा। क्लियर? सो ये ऑर्डर में हम ऊपर से नीचे आते हैं। जो पहले फंक्शन दिखेगा, जो फर्स्ट आता है ऊपर से नीचे लिया के ऑर्डर में, जो फर्स्ट आएगा वो यू होगा एंड रिमेनिंग वी होगा। लेट्स एग्जांपल, सपोज एक्स इंटू लॉन्ग एक्स इंटीग्रल में दिया है तो कौन यू होगा और कौन वी होगा? तो लिया के ऑर्डर में लॉग पहले आता है, बाद में एरिथमेटिक आता है, तो ये फर्स्ट आएगा, इट मींस ये यू होगा और ये वी होगा। वंस अगेन लिया के ऑर्डर में जो फर्स्ट दिखता हो, ये ऑर्डर में फर्स्ट सेकंड चूज नहीं करना है। लिया के ऑर्डर में जो फर्स्ट होगा वो यू, एक्स रिमेनिंग वी होगा। सो एक्स इंटू लॉग एक्स होगा तो लॉग एक्स यू होगा और एक्स वी होगा। बट एक्स इंटू ई रेस टू एक्स होता है तो फिर ऑर्डर देखते हैं। इसमें लॉग नहीं है, इनवर्स नहीं है, बट एरिथमेटिक है। तो पहले एरिथमेटिक आया तो ये यू और रिमेनिंग जो होगा वो वी होगा। क्लियर? सो लिया के ऑर्डर में जो
वी होगा, समटाइम्स ओनली सिंगल फंक्शन होंगे। कैसे? लॉग और इनवर्स वाले। सपोज ऐसा दिया हो इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, सपोज इंटीग्रल लॉग एक्स डीएक्स, तो जब लॉगरिदमिक और इनवर्स फंक्शन होंगे, लॉगरिदमिक और इनवर्स फंक्शन होंगे, तो ऑलवेज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगा। जो फंक्शन गिवन है वो u होगा और रिमेनिंग फंक्शन v इक्वल टू 1 होगा। सो ओनली लॉगरिदमिक एंड इनवर्स फंक्शन दिए, सिंगल फंक्शन दिया है, तो जो सिंगल फंक्शन दिया है वो u होगा और अनदर फंक्शन v इक्वल टू 1 होगा। वंस अगेन ओनली सिंगल फंक्शन दिया है तो वो u होगा, रिमेनिंग फंक्शन v 1 होगा। ऑल लॉगरिदमिक एंड इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रल इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही फाइंड कर सकते हैं। किसका? इनवर्स का और लॉग का। इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूला से, ये यूवी की फॉर्मूला से। क्लियर? नाउ सिंगल फंक्शन की बात हुई, इनवर्स फंक्शन की बात हुई, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दी है इसकी बात हुई। क्लियर? बट दोनों सेम टाइप के फंक्शन हो, सपोज sec x into sec square, तो बहुत आर सिमिलर टाइप के फंक्शन, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुए, तो कौन u होगा कौन v होगा? तो जिसका इंटीग्रल इजी है, जिसका इंटीग्रल की फॉर्मूला इजी है, वो हमें v लेना है। क्या लेना है? v, और रिमेनिंग u। तो sec का इंटीग्रेशन क्या होगा? log mod sec plus 10, और sec square का इंटीग्रेशन 10x, किसका इजी है? sec square का। That is called v and remaining is u. तो जिसका इंटीग्रल इजी रहता है वो v होगा। क्लियर? और रिमेनिंग फंक्शन u होगा। सो वंस अगेन लियर ऑर्डर में जो फर्स्ट दिखता है वो u, सो रिमेनिंग v। दोनों फंक्शन सिमिलर टाइप के होते हैं, तो जिसका इंटीग्रल इजी है वो v एंड रिमेनिंग u। एवरी लॉगरिथमिक एंड इनवर्स फंक्शन के इंटीग्रल हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ओनली सिंगल फंक्शन इज गिवन, देन दैट इज u एंड रिमेनिंग फंक्शन v इक्वल्स टू 1 होगा। क्लियर? अब सपोज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फाइंड करते हैं कि x क्यूब इनटू e रेस टू x, तो इसमें कौन u होगा कौन v होगा? तो ऑब्वियसली x क्यूब u होगा और e रेस टू x v होगा। ये क्या होगा? u एंड रिमेनिंग फंक्शन इज v होगा। अब u में x का पावर कितना है? 3। तो हमें ये इंटीग्रल खत्म करते पहले, आंसर लाने के पहले 3 टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूला यूज करनी होगी। सो u में x का पावर जितना है उतने टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला यूज होगी। तो इसका आंसर लाने के पहले हमें 3 टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला यूज करनी होगी। सपोज x स्क्वायर दिया होगा तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला यूज करनी होगी। ओके, सो एक्सरसाइज 7.6 ओनली प्योरली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर डिपेंड है। ओके, सो सिंगल फॉर्मूला ही यूज करना है हमें, और प्रीवियस जो हमें इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं 7.5 तक, उसका तो यूज करना ही होगा। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.6। नहीं, I inverse नहीं, A arithmetic yes, on arithmetic yes,
सो एक्स इक्वल्स टू यू एंड साइन टू एक्स इक्वल्स टू वी होगा. सो ये यू होगा और ये वी. यू आउटसाइड इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रेशन वी साइन थ्री एक्स डी एक्स अगेन डी एक्स. ओके इतना. नाउ साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थ्री एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज थ्री. सो एक्स इंटू माइनस कॉस थ्री एक्स बाय थ्री होगा कोएफिशिएंट का. माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन. इंटीग्रेशन इसका माइनस कॉस थ्री एक्स बाय थ्री वन इंटू दिस टर्म. सो वन कट कर दिया मिसिंग कर दिया. सो माइनस वन बाय थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस वन बाय थ्री आउटसाइड कॉस थ्री एक्स डी एक्स. क्लियर. सो कॉस का इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट टर्म एज इट इज. कॉस का इंटीग्रेशन साइन एंड कोएफिशिएंट थ्री अगेन आएगा तो थ्री इंटू थ्री नाइन साइन थ्री एक्स प्लस सिक्स दैट इज फाइनल आंसर. क्लियर. सो सम नंबर फोर और फाइव सिमिलर हो गए तो मैं फाइव सॉल्व कर रहा हूं. बाद में सेकंड देखेंगे. इंटीग्रल आई इक्वल्स टू एक्स लॉग टू एक्स. सो लिया के ऑर्डर में लॉग पहले लिख दिया ये यू होगा और ये वी. लॉग टू एक्स इंटीग्रल एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स लॉग टू एक्स इंटीग्रल एक्स डी एक्स अगेन डी एक्स. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग टू एक्स एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग वन अपॉन टू एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टू इंटीग्रल ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स. सो फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म में सिंप्लीफिकेशन देना ये दोनों कट वन टाइम एक्स कट सो ओनली एक्स बाय टू होगा. सो माइनस वन बाय टू आउटसाइड एक्स डी एक्स होगा. अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक्स का एक्स स्क्वायर बाय टू और ये माइनस वन बाय टू सो एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस सी दैट इज फाइनल आंसर. क्लियर. सो सम नंबर थ्री फोर इजीली सॉल्व कर सकोगे. नाउ सम नंबर थ्री आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई रेस्ट टू एच डी एक्स. क्या दिया है एक्स स्क्वायर ई रेस्ट टू एच डी एक्स. उसको मैं चेंज करके थोड़ा हार्ड बनाता हूं. ओनली एक्स है तो उसकी जगह हमने 3x कर दिया. क्या कर दिया 3x. तो सम नंबर 3 अब कुछ सॉल्व करना नहीं ये सॉल्व करवाता हूं. ओके सो लिया के ऑर्डर में पहले u आता है x स्क्वायर e रेस्ट टू 3x dx माइनस इंटीग्रल d बाय dx x स्क्वायर इंटीग्रल e रेस्ट टू 3x dx अगेन dx. सो ये स्टार क्यों किया थ्री जैसा है थ्री नहीं है इसलिए. नाउ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट टू थ्री एक्स इज ई रेस्ट टू थ्री एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज थ्री माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स ई रेस्ट टू थ्री एक्स बाय थ्री डी एक्स. सो फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस टू बाई थ्री आउटसाइड इनसाइड एक्स इंटू ई रेस टू थ्री एक्स डी एक्स अगेन टू टर्म आर इन मल्टीप्लीकेशन. सो अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला होंगे. सो मैंने पहले भी बोला था जब यू में एक्स का पावर जितना होता है उतनी टाइम्स हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूला यूज करनी होगी. सो हियर एक्स का पावर टू है तो हमें टू टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना ही होगा. सो वन टाइम ये हो गया सेकंड टाइम इधर होगा. फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस टू बाई थ्री अगेन ये यू होगा
e raised to 3x dx minus integration d by dx x integration e raised to 3x dx again dx. So first term as it is minus 2 by 3 e raised to 3x by 3 minus derivative of x 1 is the integration e raised to 3x by 3 dx. So first term as it is minus 2 by 3 x by 3 e raised to 3x minus 1 by 3 outside is the integration e raised to 3x by 3 होगा plus c. जब last integration के symbol remove करते हैं तब हमें plus c लिखना है. Last integral remove होता है तब plus c लिखना होगा. So x square e raised to 3x by 3 inside multiplication में 2x e raised to 3x by 9 minus minus plus 2 by 3 3 3 27. So 2 into e raised to 3x by 27 plus 6. That is our final answer होगा. Clear? So ये हमारा final answer हो गया. अब जब ऐसे सब एमसीक्यू में होते हैं तो डायरेक्टली आंसर कैसे लाते हैं, तो उसकी एक फॉर्मूला ऑब्जर्व करते हैं. एग्जाम में मत यूज करना कुछ सेट, अदरवाइज जे डबल नहीं यूज करना और जे डबल इसलिए ऐसा लिख रहा हूं. सो इंटीग्रल यू वी डी एक्स मींस यू इनटू वी1 माइनस यू1 वी2 प्लस यू2 वी3 माइनस यू3 वी4 प्लस एटसेट्रा प्लस सी होगा. वेयर u1 u2 u3 आर डेरिवेटिव ऑफ u, सक्सेसिव डेरिवेटिव ऑफ u. तो u का फर्स्ट डेरिवेटिव u1, u का सेकंड डेरिवेटिव मींस u1 का फर्स्ट डेरिवेटिव u2 ऐसा होगा. एंड v1 v2 v3 v4 आर इंटीग्रल ऑफ v. सपोज ये हमारा सम था x square e raised to 3x, तो इसमें u कौन हुआ x square. तो फर्स्ट टर्म क्या होगी x square, इसका इंटीग्रल e raised to 3x by 3 minus u1 इसका डेरिवेटिव 2x, इसका अगेन इंटीग्रेशन e raised to 3x by अगेन 3 होगा, सो 9 होगा. इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका डेरिवेटिव ये टर्म का डेरिवेटिव ये टर्म का इंटीग्रेशन, तो इसका डेरिवेटिव 2x इसका इंटीग्रेशन ये अगेन प्लस अल्टरनेटिव साइन होते प्लस माइनस प्लस, इसका डेरिवेटिव 2 इसका अगेन इंटीग्रेशन e raised to 3x by 27 प्लस c. सो चेक करो डायरेक्टली आंसर आ गया हमारा. ओके तो एक बार ये आप ऑब्जर्व कर लो क्या हुआ है. ओके कर लिया ऑब्जर्व. सो सम नंबर 1 टू 5 ओवर हो गए. अब सम नंबर 6 सिमिलर है, आप सॉल्व कर सकोगे खुद. होमवर्क में दे देता हूं, बहुत इजी है. क्या है x स्क्वायर log x, तो कौन u होगा log x एंड कौन v होगा x स्क्वायर. ओके Now, sum number 7, integral I equals to x sin inverse x. So, लिया डिवाइडर में log नहीं है, I inverse है, तो ये u होगा और ये v होगा. So, u is outside, integral of v minus integral derivative of u integral v dx again dx. Clear? Now integration of x is x square by 2 sine inverse x.
square by 2 dx. So first term as it is, minus 1 by 2 outside, x square upon 1 minus x square ka square root dx. अब जब मैं थ्योरी के टाइम बोल रहा था कि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूला यूज करनी होगी और जो 7.5 तक पढ़े उसका यूज करना होगा, तो ये 7.5 तक का एक पोर्शन आ गया। पहले हम ये ऐसा पढ़ चुके हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, क्लियर। सो कैसे सॉल्व करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड, वन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन एंड अदरवाइज सेकंड मेथड, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर क्वाड्रेटिक देन अरेंजमेंट करनी होगी न्यूमरेटर में कैसे, तो डिनोमिनेटर जैसे। सो वी मेक अरेंज 1 माइनस x स्क्वायर इन न्यूमरेटर, सो माइनस इनसाइड दे देते हैं, सो प्लस 1 बाय 2 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर। नाउ एडिंग 1 एंड सब्स्टिट्यूटिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 ऐड करते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और दोनों को सेपरेटली लिखते हैं, तो क्या होगा 1 बाय 2 दिस डिवाइड बाय दिस मींस रूट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx होगा। नाउ सबका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज 1 बाय 2, क्या थी इसकी फॉर्मूला, x बाय 2 रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a मींस x बाय 1 होगा, इतना माइनस 1 बाय 2 साइन इनवर्स x प्लस sin रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई की है। सो फाइनली क्या होगा, x square by 2 sin inverse x plus x by 4 root 1 minus x square, 1 by 4 sin inverse x minus 1 by 2 sin inverse x, so minus 1 by 4 sin inverse x plus c, that is our final answer, clear। so ऐसे टर्म का इंटीग्रेशन हम पहले पढ़ चुके होंगे, ऐसा ही होगा, ओके। नाउ सम नंबर 8, x tan inverse x I equals to इंटीग्रल x tan inverse x, सो अब तक जान चुके होंगे कौन u होगा कौन v होगा, तो tan inverse u tan inverse x integral x dx minus d by dx tan inverse x integral x dx again dx. Now integration of x is x square by 2 tan inverse x minus derivative of tan inverse 1 upon 1 plus x square integration of x square by 2 dx. So first term as it is minus 1 by 2, numerator is x square divided by 1 plus x square dx, again numerator and denominator both have same power 2, so denominator jaisa arrangement karna hoga numerator mein, so first term as it is minus 1 by 2 adding 1 and subtract 1 divided by 1 plus x square, so first term as it is separately likhte hain, so 1 dx minus minus plus 1 by 2 1 upon 1 plus x square dx hoga, okay। Now आंसर लिखते हैं क्या होगा, x square by 2 tan inverse x, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 by 2 इसका इंटीग्रेशन tan inverse x plus c, that is final answer, clear, that is final answer, more one step simplification देना तो दोनों
square plus 1 by 2 tan inverse x minus x by 2 plus c, ऐसा सिंप्लीफिकेशन दे सकते हैं. ओके, सो अब सम नंबर 9 आपको होमवर्क में दे रहा हूं. क्या है 9 में? तो इधर cos inverse x दिया है. क्या दिया है? cos inverse. तो इधर क्या होगा? cos inverse होगा लास्ट टर्म. फिर इधर cos inverse होगा तो उसका डेरिवेटिव माइनस होगा. सो माइनस माइनस इज पॉजिटिव, बट इनसाइड माइनस से मल्टीप्लाई करता है तो आउटसाइड माइनस होगा. सो ये सारी टर्म माइनस माइनस, तो ये सब रिलेटिव चेंजिंग हो गया आपको. ओके, सो सम नंबर 9 होमवर्क में. नाउ सम नंबर 10 साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर दिया. सो सम नंबर 10 आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर. तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर सकते हो. इनवर्स है यू वी डी एक्स की फॉर्मूला ही होगी. सिंगल फंक्शन इज गिवन सो दैट इज यू एंड रिमेनिंग फंक्शन v इक्वल्स टू 1 हो सकता है. अदरवाइज आप साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी और थीटा सब्स्टिट्यूशन करके भी ये सम सॉल्व कर सकते हो. क्लियर? सो डायरेक्टली सॉल्व कर दे तो ये u होगा साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल d by dx sin inverse x whole square integral 1 dx again dx. Now 1 का integration x sin inverse x whole square minus इसका derivative 2 sin inverse x power का किया तो power कट करके sin inverse x का 1 upon root 1 minus x और 1 का इंटीग्रेशन x dx. क्लियर? सो फर्स्ट टर्म एज इट इज. नाउ माइनस 2 आउटसाइड क्या होगा? sin इनवर्स x इनटू x डिवाइड बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx. ओके, क्या होगा? सो इसमें कौन u और कौन v? तो पहले सपोज इतना दिया होगा साइन इनवर्स x इनटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx. तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका डेरिवेटिव पास में है. साइन इनवर्स x इनटू d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x ऐसा लिख सकते हैं. सो इसका आंसर क्या होगा? साइन इनवर्स x होल पावर 2 बाय 2 इतना होगा. सो ये टर्म हमारी v होगी और रिमेनिंग टर्म ये u होगी. तो फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस 2 आउटसाइड u sin inverse x into 1 upon root 1 minus x square dx minus integral d by dx क्या होगा? x integral sin inverse x upon root 1 minus x square dx again dx होगा. क्लियर? सो फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x इनटू sin इनवर्स x होल स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस x का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x होल स्क्वायर बाय 2 dx. तो ये क्या हुआ? 2 कॉमन लेके तो sin इनवर्स x होल स्क्वायर मींस i ही होगा. क्या हो सकता है? ओरिजिनली आई. तो फर्स्ट टर्म एज इट इज 2 इनसाइड देते हैं माइनस x sin इनवर्स x होल स्क्वायर होगा. होगा जितना क्यों ये u लिया था u इंटीग्रल v dx माइनस u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन ऐसा
डेरिवेटिव फर्स्ट है, तो इसका होल पावर 1 इंक्रीज होगा। सो इस दोनों का आंसर लिखा और को इनसाइड करते हैं, तो गो टू पार्ट माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल sin इनवर्स x होल स्क्वायर dx, इट मींस ये तो i हो गया, क्या होगा i होगा। ओके और दोनों साइड तो i i कट हो जाएंगे, दोनों साइड i i कट हो गए, तो फिर इंटीग्रेशन किसका फाइंड किया, इंटीग्रेशन किसका फाइंड किया। तो इसमें तो आपसे पूछ रहा हूं कि कहां गलती हुई है, कहां मैंने गलती की है, क्लियर। सो आप ऑब्जर्व करके बताना मेरे को कि कहां गलती हुई है। ओके तो देखो आप ऑब्जर्व करो, सो अंडरस्टैंड हुआ कहां गलती की है। सो ये समझाने के लिए ही मैंने ऐसा किया है कि रॉन्गली यू एंड मी चूज करोगे तो आंसर कभी नहीं आएगा, तो इधर तक सब कुछ सही था, लेकिन इसके बाद हमने जो ये स्टेप दिया उसके बाद वाले स्टेप में ये ओनली यू होगा और ये मी होगा, तो हमने क्या ले लिया, इसको वी ले लिया और इसको यू ले लिया। तो रॉन्गली यू एंड मी चूज किए हैं वही गलती है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। इसलिए जब थियरी समझा रहा था तब मैं बोल रहा था कि रॉन्गली यू एंड वी चूज करोगे आंसर कभी नहीं आएगा। सो हम इसको अगेन, अब राइट क्या होगा वो लिखते हैं। ओके अगेन राइट क्या होगा, सो इधर से फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस टू आउटसाइड, अब ये यू होगा, रिमेनिंग टर्म बी होगी। So, sin inverse x integral x upon root 1 minus x square dx minus integration d by dx of sin inverse x integral x upon root 1 minus x square dx again dx, okay, इतना ये u और ये v, तो first term as it is minus 2 of क्या करते हैं, तो इनसाइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आउटसाइड 2 से डिवाइड करते हैं, तो इधर क्या होगा 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर होगा, अगेन माइनस इधर देते हैं तो ये माइनस इधर होगा, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर होगा। सो नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव लेते हैं, पहले इसका सिंप्लीफिकेशन दे देते हैं, साइन इनवर्स एक्स था इधर माइनस टू से मल्टीप्लाई, तो आउटसाइड माइनस टू से डिवाइड करते हैं, माइनस टू एक्स अपन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगेन डी एक्स होगा। ओके ये सारे टर्म मल्टीप्लीकेशन में तो और कॉन्स्टेंट आउटसाइड ही जाएगा। अब फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस टू ब्रैकेट में माइनस साइन इनवर्स एक्स अपन टू, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो आंसर क्या होगा 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा प्लस 1 बाय 2, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स होगा इतना। सो माइनस टू इनसाइड दे देते हैं, तो फर्स्ट टर्म एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 टू पावर, so 2 root 1 minus x square into sin inverse x, again here 2 और ये 2 cut minus होगा इधर, अब ये दोनों cut, so only 2 का integration 2x plus c, that is final answer होगा। so हम wrongly u और v choose करते हैं तो answer नहीं आता है, ध्यान रखना, clear। और आपको ये सब solve करने की better way क्या, तो आप सब्स्टिट्यूशन लेके सॉल्व कर सकते हो, कैसा सब्स्टिट्यूशन, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू साइन टी देयरफॉर डीएक्स इक्वल्स टू कॉस टी डीटी, सो इंटीग्रल आई क्या होगा टी स्क्वायर इनटू कॉस टी डीटी, ये यू होगा और वी होगा, फिर ऐसे सॉल्व करोगे और इजी।